सरोकार। कपड़े के शोरूम में भीषण आग लगी है। औरैया से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कपड़े के शोरूम में आग लगने का मामला सामने आया है। ये औरैया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लाखों का माल जलकर खाक हुआ है। तो आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। ये बड़ा आग लगने का मामला सामने आया है, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको औरैया से बता रहे हैं, जहां आग लगने का मामला सामने आया है। हीरो मोटरसाइकिल के शोरूम की ये घटना बताई जा रही है। तो औरैया से खबर सामने आ रही है, जहां कपड़े के शोरूम में आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कपड़े के शोरूम में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। लाखों का माल जलकर खाक हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार आग बुझाने में लगी हुई हैं। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जुटी हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हीरो मोटरसाइकिल के शोरूम की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस कमिश्नर कार्यालय में महिला सिपाही से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यह महिला सिपाही से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला सिपाही से छेड़छाड़ कर हेड कांस्टेबल ने अभद्रता की है। तो ये लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महिला सिपाही के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला सिपाही ने जेसीपी कानून व्यवस्था के पास शिकायत दर्ज कराई है। जेसीपी कानून व्यवस्था ने मामले की जांच डीसीपी सेंट्रल को सौंपी है। पुलिस कमिश्नर कार्यालय में महिला सिपाही से छेड़छाड़ हुई है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला सिपाही से छेड़छाड़ कर हेड कांस्टेबल ने अभद्रता की है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं, प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।